हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू टेकी मतीन। आज की इस वीडियो में मैं आप सबसे एक इंसिडेंट या मिस्टेक शेयर करने वाला हूं जो मैंने कर दी और जिसके कारण यूट्यूब ने मेरे चैनल पर वार्निंग दे दी। तो वीडियो को एंड तक देखें ताकि मैं आप सबको डिटेल में एक्सप्लेन कर सकूं। तो शुरुआत हुई थी कुछ 4-5 दिन पहले। मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो डाला था, हाउ टू डाउनलोड यूट्यूब वीडियोज़ डायरेक्टली इंटू गैलरी। यूट्यूब वीडियोज़ को डायरेक्टली अपने गैलरी में फ़ोन के स्टोरेज में किस तरह इंस्टॉल कीजिए। तो मैंने वीडियो को डाल दिया और उसमें कुछ 30 व्यूज़ आ भी गए, एक दिन पूरा वीडियो था। तो अगले सुबह यूट्यूब ने मुझे ये प्रेम पत्र भेज के कहा कि बेटा टेकी मतीन, जिस थाली में तुमने खाया उसी में छेद कर दिया। मतलब तुमने ऐसा वीडियो बनाया जो हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। मैं ठहरा YouTube में नया, मुझे आकर कुछ 1 मंथ से ज़्यादा हो रहा है। मुझे YouTube के कम्युनिटी गाइडलाइंस में उतना ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जब YouTube ने मुझे प्रेम पत्र भेजा तभी मैंने सारे कम्युनिटी गाइडलाइंस पढ़े, लेकिन तब भी मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या मिस्टेक की थी। कहीं कहीं पर मुझे डाउट हो रहा था कि मैंने YouTube को इधर इन्वॉल्व किया हुआ है तो इसके कारण तो यूट्यूब ने मुझे ये नहीं भेजा। तो फिर भी मैं नहीं सुधरा और मैंने डायरेक्ट यूट्यूब को अपील कर दिया ये कहकर कि भैया मैं तो सही हूँ, तुमने ही गलत किया है, तो इस वीडियो को वापस प्रोसेस करो और गलती को अपनी सुधारो। तो यूट्यूब ने फिर मुझे रिस्पॉन्स में कहा कि बेटा हम तो सही हैं, तुमने गलत किया है, हमारे कम्युनिटी गाइडलाइंस ध्यान से पढ़ो करके। तो फिर से मैंने कम्युनिटी गाइडलाइंस को पूरा डिटेल्स में पढ़ा और लास्ट में एक कंटेंट आता है, स्पैम कंटेंट। तो मेरी गलती यहाँ ये थी कि मैंने इसमें यूट्यूब को इन्वॉल्व किया था और एक स्पैम कंटेंट बनाया था जो यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। सिर्फ यही नहीं, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और यूट्यूब को कहीं भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, या अगर आप यूट्यूब को किसी से कंपेयर करते हैं या और कुछ, तो YouTube आपके चैनल पर स्ट्राइक भी डाल सकता है। और एक बार अगर स्ट्राइक पड़ जाए तो आप 1 हफ्ते तक वीडियोस अपलोड नहीं कर सकोगे और वो स्ट्राइक 90 डेज तक अपने चैनल पर रहेगी। मेरी नसीब तो अच्छी थी कि YouTube ने मुझे सिर्फ वार्निंग दी थी। अगर आप सब लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि आप यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर ही अपना वीडियोज़ डाल रहे हैं, तो यूट्यूब के खिलाफ, अगेंस्ट या कंपेयर आप कभी भी यूट्यूब को नहीं करना चाहिए। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।